अटल्ला चुंगी क्षेत्र स्थित रिहायशी इलाके में एक कवर बिच्छू नामक जानवर घुसाया, जो यहां 15 दिन से एक टेंट हाउस के बने गोदाम में छिपकर रह रहा था, जिसे आज वन विभाग की टीम द्वारा सुरक्षित पकड़ लिया गया। जिसके पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि अटल्ला चुंगी स्थित यादव मार्केट में पानी गांव निवासी डब्बू का टेंट हाउस है और उनके इस गोदाम में कबर बिच्छू नामक एक जानवर घुसाया था। यह नरभक्षी जानवर पिछले 15 दिनों से रिहायशी इलाके के इनके गोदाम में घुसा हुआ था, जिसके कारण स्थानीय लोग काफी दहशत में थे। इस जानवर की दहशत के चलते इस गोदाम में किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। आज टेंट मालिक की शिकायत पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी श्याम सिंह और प्रेम सिंह ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कबर बिज्जू को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ लिया। इस बीच कबर बिज्जू को पकड़कर बोरे में डालने के दौरान रामबाबू शर्मा नामक व्यक्ति पर इस जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में काफी चोटें आई हैं। काफी देर बाद आखिर उसे बोरे में बंद कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इस संबंध में वन विभाग के सिपाही श्याम सिंह ने जानकारी दी। कौन सा जानवर घुसाया था और किस तरीके से पकड़ा उसको? ये कबर बिज्जू था, ये कूलरों के नीचे छुपा था। तो ऊपर ये कूलर हटा करके और वो बाहर निकल के आया, जैसे वो बाहर भी दिखाई दिया, फिर अंदर घुसा, जो उसे अंदर जाके पकड़ लिया। ये कब से यहाँ था और कैसे आया? ये बता रहे हैं करीब 15 दिन से इसके अंदर है। आज आपकी टीम आई है, कितने लोग आए हैं टीम में? फिलहाल में तो हम दो ही आदमी आए हैं। सुरक्षित यहाँ भी सहयोग मिला हमें सबका, पकड़ लिया सुरक्षित। कहाँ ले जाया जाएगा इसको? अब इसे जंगल में छोड़ा जाएगा, सुरक्षित है। कोई वैसे कोई वैसे तो है नहीं कि कोई घायल हो जाए, कोई परेशानी हो। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।